हेलो फ्रेंड्स, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम बेसिकली ये फोर टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसे कि फीफो कहते हैं। सेकेंड, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। थर्ड, लिस्ट रिसेंटली यूज LRU। और फोर्थ, लिस्ट फ्रिक्वेंटली यूज LFU। तो इन चारों का एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का एग्जाम्पल देखेंगे और बाकी तीनों के वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो कि मैंने लिंक नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ जाके आप ये तीनों का एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास पेजेस दिए गए हैं और इसका फ्रेम साइज 4 का है। तो इस तरह हम लोग एक पहले इंडेक्स तैयार करेंगे 4 साइज फ्रेम का और पेजेस ऊपर में लिख देंगे। तो सबसे पहले आप पेज इंसर्ट करवाते हैं। सबसे पहले पेज 1 आएगा, तो ये पेज फोल्ड कहलाएगा। फिर 1 के बाद 3 आएगा, ये भी पेज फोल्ड कहलाएगा। फिर 1, 3 के बाद 4 आएगा, ये भी पेज फोल्ड कहलाएगा। फिर 4 आ रहा है, तो 4 पहले से है तो यहाँ पेज हिट कहलाएगा, क्योंकि 4 पहले से था फिर 4 आ रहा था। 1, 3, 4 वही का वही रह जाएगा और पेज हिट कहलाएगा। फिर 3 आ रहा है, पेज 3 पहले से है तो 1, 3, 4 आ जाएगा और पेज हिट कहलाएगा ये भी। उसके बाद 2 आ रहा है, तो 2 आ रहा है तो एक फ्रेम खाली था तो 1, 3, 4, 2 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 1 आ रहा है, तो 1 आ रहा है तो कौन 1 पहले से है, 1, 3, 4, 2 था पहले से, 1 पहले से है तो ये पेज हिट कहलाएगा। फिर उसके बाद 7 आ रहा है, तो 7 आ रहा है तो 1, 3, 4, 2 में कौन सा पेज रिप्लेस होगा, 1 होगा। 1 क्यों होगा, क्योंकि 1 सबसे पहला था, तो 1 सबसे पहले रिप्लेस होगा और 7 यहाँ आ जाएगा। 1 रिप्लेस होकर 7 आ गया, तो 7, 3, 4, 2 अब हो गया। अब फिर 5 आ रहा है, तो 5 आ रहा है तो कौन सा रिप्लेस होगा, 3, क्योंकि 1 के बाद 3 ऑर्डर है, तो 3 रिप्लेस होगा और 5 आ जाएगा, तो 7, 5, 4, 2। उसके बाद 6 आ रहा है, 6 आ रहा है तो 4 रिप्लेस होगा, क्यों, क्योंकि 3 के बाद यहाँ 4 ऑर्डर है, तो 4 रिप्लेस हो गया, 6 आ गया। तो ये सारा पेज फोल्ड कहला रहा है क्योंकि कोई भी पेज मैच नहीं खा रहा है। फिर 4 आ रहा है, तो 4 आ रहा है तो 4 आ रहा है तो कौन सा रिप्लेस होगा, 2 रिप्लेस होगा, क्योंकि यहाँ पर 4, 3 पेज हिट हुआ था तो यहाँ पर 2 रिप्लेस होगा, तो 2 रिप्लेस हो गया, 4 आ गया। फिर 2 आ रहा है, तो 2 आ रहा है तो कौन सा रिप्लेस होगा, 7 रिप्लेस होगा, क्योंकि 7 ऑर्डर है तो 7 रिप्लेस होगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 2, 5, 6, 4। फिर 1 आ रहा है, तो 1 आ रहा है तो कौन सा रिप्लेस होगा, 5, क्योंकि 5 अब ऑर्डर है, 5 रिप्लेस होगा, 1 आ जाएगा, 2, 1, 6, 4। उसके बाद फिर से 2 आ रहा है, तो 2 पहले से था तो फिर ये पेज हिट कहलाएगा। तो चलिए अब और एक एग्जांपल देखते हैं, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको भी। तो एक एग्जांपल है, इसमें हमारे पास पेजेस हैं 7, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 2, 3, 0, 3, 2, 1, 2, 0, 1, 7, 0, 1। तो इसमें तो इसका फ्रेम साइज 3 का है, तो फ्रेम साइज 3 का है तो आप पहले 3 फ्रेम साइज का इंडेक्स बना लीजिएगा। तो उसके बाद अपन लोग पेज इंसर्ट करवाते हैं। तो सबसे पहले 7 आएगा, फिर 7, 0 आएगा, फिर 7, 0, 1 7, 0, 1 आया। उसके बाद 2 आ रहा है, तो 2 आ रहा है तो सब कौन सा रिप्लेस होगा, 7 रिप्लेस होगा, 7 ऑर्डर है तो 2, 0, 1। 0 आ रहा है तो 0 पहले से है तो यहाँ पर पेज हिट कहलाएगा, ये पेज हिट कहलाएगा। फिर 3 आ रहा है, तो 3 आ रहा है तो कौन सा रिप्लेस होगा, 2, 0, 1 में कौन सा रिप्लेस होगा, 3 आ रहा है तो 0, क्यों, क्योंकि 7 के बाद 0 ऑर्डर है तो 0 को रिप्लेस करेंगे और 3, 2, 3, 1 हो जाएगा। फिर 0 आ रहा है, तो 0 यहाँ पर नहीं है तो कौन सा रिप्लेस होगा, अब 1 रिप्लेस होगा, तो 2, 3, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 आ रहा है, तो ये सारा पेज फॉल्ट कहला रहा है,
यहाँ पर पेज हिट हुआ था, ये भी पेज फॉल्ट, ये भी पेज फॉल्ट हुआ, फिर फोर आ रहा है, तो फोर आ रहा है तो कौन सा पेज रिप्लेस होगा, टू, तो टू रिप्लेस होके यहाँ फोर आ जाएगा, यहाँ थ्री आ जाएगा, यहाँ जीरो आ जाएगा, फिर टू आ रहा है तो टू आ रहा है तो कौन सा ऑर्डर है, थ्री, तो थ्री यहाँ पर होगा, क्यों जीरो नहीं हो रहा, क्योंकि जीरो यहाँ पेज हिट हुआ था, तो अब थ्री रिप्लेस हो रहा है तो फोर टू जीरो, फिर थ्री आ रहा है तो थ्री आ रहा है तो कौन सा रिप्लेस होगा, थ्री आ रहा है तो यहाँ पर आपका रिप्लेस होगा थ्री जीरो, क्योंकि यहाँ पर जीरो था, जीरो ऑर्डर है थ्री के बाद, तो फोर टू थ्री, फिर जीरो आ रहा है तो जीरो आ रहा है तो अब कौन सा ऑर्डर है, फोर, तो फोर को रिप्लेस करेंगे, तो जीरो टू थ्री, थ्री आ रहा है थ्री प्लेस है तो यहाँ पर पेज हिट होगा, अब पेज हिट हुआ, फिर अब टू आ रहा है तो टू आ रहा है तो कौन सा ऑर्डर है, अब टू आ रहा है तो हाँ टू टू तो पहले से है तो यहाँ पर भी फिर से पेज हिट होगा, फिर वन आ रहा है तो वन आ रहा है तो कौन सा ऑर्डर है, अब टू, तो टू रिप्लेस होगा, तो जीरो वन थ्री, फिर टू आ रहा है तो फिर से कौन सा ऑर्डर है, अब थ्री, थ्री रिप्लेस होगा, जीरो वन टू, जीरो पहले से है, जीरो आ रहा है तो यहाँ पर पेज हिट कहलाएगा, फिर वन पहले से है, जीरो वन टू, फिर से यहाँ पेज हिट कहलाएगा, फिर सेवन आ रहा है तो कौन सा ऑर्डर है, जीरो, तो जीरो हटा के सेवन रख देंगे, वन टू, फिर जीरो आ रहा है तो कौन सा ऑर्डर है, वन, क्योंकि दोनों पेज हिट हुआ था ये, तो सेवन, सॉरी सेवन जीरो टू, फिर वन आ रहा है तो कौन सा ऑर्डर है, टू, तो टू हटा के वन रखेंगे और सेवन जीरो, तो और एक एग्जांपल देखते हैं अच्छे से क्लियर हो जाएगा, टू टू थ्री, टू थ्री फोर, फाइव आ रहा है तो कौन सा ऑर्डर है, टू, तो टू हटा के फाइव रख देंगे, थ्री फोर, और फिर टू आ रहा है, टू नहीं है तो कौन सा ऑर्डर है, थ्री, थ्री हटाएंगे टू रख देंगे, फाइव फोर, फिर थ्री आ रहा है तो कौन सा ऑर्डर है, फोर, तो फिर फोर को रखेंगे, फोर को हटा देंगे और यहाँ थ्री रख देंगे, फाइव टू, सिक्स आ रहा है फिर कौन सा ऑर्डर है, फाइव, तो फाइव को हटा देंगे, सिक्स रख देंगे, टू थ्री, तो टू आ रहा है, टू पहले से है तो यहाँ पेज हिट कहलाएगा, टू थ्री, थ्री थ्री पहले से है फिर से पेज हिट कहलाएगा, फिर फोर आ रहा है तो कौन सा हटेगा, यहाँ पर कौन सा हटेगा, फाइव हटा था तो अब यहाँ पर टू हटेगा, तो टू हटेगा आ जाएगा सिक्स थ्री, फिर फाइव आ रहा है तो कौन सा हटेगा, थ्री हटेगा, तो सिक्स फोर, थ्री हट के फाइव आ जाएगा, फिर सिक्स आ रहा है सिक्स पहले से तो पेज हिट कहलाएगा यहाँ पर, तो फ्रेंड्स अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का एग्जांपल, तो यहाँ पर सब बाकी जगह में पेज फॉल्ट हो जाएगा, तो आपको सब समझ में आ ही गया होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो बाकी सब का एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ऑप्टिमल का भी और लीस्ट रिसेंटली यूज LRU का भी और LFU का भी, तो थैंक यू फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बाकी अपडेट्स आपको मिलते रहें।